हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट एजुकेशन के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम लूसेंट 2022 की जो बुक है भौतिक विज्ञान, ठीक है, जो लूसेंट 2022 की बुक है उसके अंदर जो भौतिक विज्ञान हम उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है, कि कोशिश रहेगी आने वाले 10 दिन के अंदर क्या पूरी की पूरी बुक आपको एक्सप्लेन कर दी जाए, भौतिक विज्ञान जितने भी आपकी कंप्लीट है। कि हम एक दिन के अंदर 2 या 3 टॉपिक लेके चलेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है कि इसके 25 से 26 टॉपिक हैं, ठीक है। एक दिन के अंदर हम 2 से 3 टॉपिक लेने का टारगेट बनाएंगे और जल्द ही आपकी क्या पूरी भौतिक विज्ञान को एक्सप्लेन कर देंगे। तो बिना टाइम खराब करें हम शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान। जैसे कि आप सभी को पता है कि अध्याय नंबर इसका जो 5 है भौतिक विज्ञान का, इसमें से हम शुरू करेंगे, ठीक है। भौतिक विज्ञान हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो जो भौतिक विज्ञान है वो क्या चीज़ है, इसके अंदर सबसे पहले आपको देखेंगे भौतिक की बात करूँ। भौतिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। जैसे आपने सुना हो ना, 10th के बाद बोलता है कि +1 के अंदर क्या लेगा, मेडिकल नॉन मेडिकल। मेडिकल नॉन मेडिकल के अंदर फिजिक्स होती है, उस फिजिक्स को ही क्या भौतिक विज्ञान बोलते हैं। तो हम क्या है कि फिजिक्स का हम इसके अंदर टॉपिक हम शुरू करेंगे, ठीक है। देखो भौतिक प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है, मतलब जो भौतिक है वो प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मैटर, ठीक है, मतलब द्रव्य। मैटर का मतलब आप पता हो, जैसे आपने क्लास 9th में पता है मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, सॉलिड लिक्विड वेस। मैटर तथा ऊर्जा मतलब एनर्जी और उसके परस्पर क्रिया का अध्ययन होता है, ठीक है, मतलब मैटर का और ऊर्जा का, ठीक है। यदि बात करो मैं द्रव्य का और ऊर्जा का क्या आपस में मिलाने पर जो अध्ययन होता है, ठीक है, भौतिक प्राकृतिक जगत की मूल विज्ञान है। मतलब बात करो जो भौतिक है वो प्राकृतिक जगत की मूल विज्ञान है, मतलब भौतिक के बिना, मतलब भौतिक विज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि विज्ञान के अन्य शाखा का विकास भौतिक के ज्ञान से बहुत हद तक निर्भर है। मतलब विज्ञान का, हम जितने भी विज्ञान की बात करें, ठीक है, चाहे आप फिजिक्स लो, केमिस्ट्री लो, बायो ले लो, ठीक है, यदि मैं यदि बात करूँ अपनी जनरल साइंस की बात करूँ, अपनी जनरल लाइफ की बात करूँ, कि अपनी लाइफ के अंदर कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो भौतिक विज्ञान से रिलेटेड नहीं हो। यदि आप चल रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, उसके अंदर भी भौतिक विज्ञान है, ठीक है। उसमें आपने कितनी एनर्जी लगाई, यदि आप जैसे ये लगा लो कि कोई मेज है, मेज के ऊपर क्या है, कोई बुक पड़ी है, बुक आपको उठाओगे, उसके अंदर भी भौतिक विज्ञान है कि आपने कितनी उसके अंदर एनर्जी लगाई है बुक को उठाने में, ठीक है, उसके अंदर भी क्या भौतिक विज्ञान है। मतलब अपने लाइफ के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो भौतिक विज्ञान से रिलेटेड ना हो। तो इसी कारण इसने कहा कि भौतिक विज्ञान जो है प्राकृतिक जगत की मूल विज्ञान है, ठीक है, मतलब भौतिक विज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। विज्ञान की अन्य शाखा का विकास भौतिक विज्ञान के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर है। मतलब विज्ञान की कोई भी शाखा पढ़ोगे, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ोगे, बायोलॉजी पढ़ोगे, जो भी पढ़ोगे वो क्या भौतिक विज्ञान से ही रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें, सबसे पहले पढ़ेंगे अध्याय 1, इसका नाम क्या है, मात्रक। मात्रक की बात करूँ, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मात्रक क्या होता है। जैसे कि आप ये लगाओ कि आप एक जनरल स्टोर पर गए, ठीक है, आप एक किराना की दुकान पर गए, ये लगा लो कि जैसे आप वहाँ पर जाके आपको चीनी लेके आनी थी, तो आपने ये पूछा भी हाँ दुकानदार से भी, हाँ मुझे चीनी दे दो, कितनी होगा, 10। उन्होंने कहा 10 क्या दूँ, ग्राम दूँ, किलोग्राम दूँ, कितनी दूँ, तो आप क्या बोलोगे, 10 किलोग्राम मुझे चीनी दे दो। तो वो समझ जाएगा भी हाँ 10 किलोग्राम इसको चीनी चाहिए। तो यहाँ किलोग्राम क्या था, जो किलोग्राम था वो क्या था, एक आपका मात्रक था, वो किसका, चीनी का मात्रक था, मतलब वो वेट का वो मात्रक था। इसी प्रकार मात्रक क्या होता है, जिसके पीछे हम लगाते हैं। मैं आपको बोलूँ कितना समय हो गया, तो आप बोलते 5:26, ठीक है, तो 26 क्या इसमें मिनट है, ठीक है, मिनट क्या मात्रक है, मतलब समय का भी मात्रक है। तापमान की बात करूँ, तापमान का भी एक अलग मात्रक है, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या हम मात्रक पढ़ेंगे। मात्रक के अंदर सबसे पहले मैं बात करूँ कि मात्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। किसी राशि के मापक, ठीक है, किसी राशि को मापने का निर्देशक मापक क्या है, मात्रक कहलाता है। मतलब कोई भी राशि मापो, यदि आप चीनी माप रहे हो, कपड़ा माप रहे हो, कुछ भी मापो, जिससे आप मापोगे, ठीक है, वो क्या होगा, मात्रक होगा। जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं दुकान में, क्या है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो वो मीटर क्या है, वो एक मात्रक है। चीनी लेके आते हैं, वो क्या है, किलो, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, किलोग्राम क्या है उसमें, मात्रक है। यदि मैं तापमान की बात करूँ भी, हाँ आज 46 डिग्री तापमान था, 46 डिग्री क्या है, तापमान है, मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या, ये मात्रक है। मात्रक में जिसके अंदर मापते हैं, किसी भी चीज़ को जो मापेंगे उसे क्या बोलेंगे, उसे मात्रक बोलेंगे। अब मात्रक की डेफिनेशन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बात करें, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक क्या है, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करूँ मैं मूल मात्रक, ठीक है, मूल मात्रक मतलब
मतलब कि बात कुल धरती पर क्या है, सात ही मात्रक है। इन्हीं सात मात्रक से बाकी के मात्रक हम सभी के सभी निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो बाकी के मात्रक जो निकालेंगे सात, उसे क्या बोलेंगे, ड्राइव यूनिट, मतलब ड्राइव मात्रक, या मतलब बोले तो ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक, जिसे हम क्या इन्हीं सात मात्रक की हेल्प से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब बात करूं मात्रक क्या, किसी राशि को जो मापेंगे ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, मात्रक बोलेंगे। और मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करूं तो मूल मात्रक, अगला बात करूं तो व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसआई पद्धति पर मूल मात्रक की संख्या कितनी है, सात, याद रखना। मतलब एसआई यूनिट की बात करूं तो मूल मात्रक की संख्या कितनी है, सात है, नीचे सारणी दे रखी है। सबसे पहले यदि बात करूं एसआई यूनिट, एसआई का मतलब क्या होता है, एसआई होता है स्टैंडर्ड यूनिट, मतलब आप कहीं भी चले जाओ ठीक है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये सात यूनिट ऐसे की ऐसी रहेगी। यदि जो कर लंबाई की बात करूँ, लंबाई को हमेशा हर जगह मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, समय को सेकेंड में, तापमान को कैलविन में, चाहे आप इंडिया के अंदर हो, भारत में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, कहीं हो, या आप अमेरिका, विदेश, कहीं भी हो, सभी का क्या कि मात्रक सभी जगह सेम है, सात मात्रक। सबसे पहले मात्रक की बात करें लंबाई, लंबाई को किसके मापते हैं, मीटर के अंदर मापते हैं, ठीक है, याद रखना। लंबाई को किसमें मापते हैं, मीटर के अंदर मापते हैं। यदि आपसे लंबाई का मात्रक पूछे तो क्या है, मीटर करोगे, ऑप्शन में क्या देगा आपको, मिलीमीटर, किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसे मात्रक क्या है, लंबाई का मीटर है। फिर बात करें द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम, और किलोग्राम को किसमें नोट करते हैं, केजी में, स्मॉल केजी, ठीक है। द्रव्यमान किसमें नोट करते हैं, केजी के अंदर नोट करते हैं। फिर बात करें समय, समय किसमें नोट करते हैं, सेकंड के अंदर नोट करते हैं, किसमें, सेकंड के अंदर, ना कि घंटे में या ना कि मिनट में, समय किसमें होता है, हमेशा सेकंड के अंदर मापा जाता है। फिर मैं बात करूँ तापमान की, तापमान किसमें मापते हैं, केल्विन के अंदर, मतलब उसका किसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं, ठीक है। तापमान के अंदर मतलब केल्विन को किसमें मापते हैं, तापमान मतलब केल्विन के अंदर मापते हैं, यूनिट क्या है, कैपिटल के। फिर बात करें विद्युत धारा, मतलब लाइट की बात करूं तो किसमें, एम्पियर में। जैसे आपने देखा ना अपने मोबाइल चार्जर के पीछे, ये तो 2 एम्पियर का चार्जर है, ये 3 का है, ये 4 का है, वो किसमें, एम्पियर में मापते हैं। और कैपिटल यूनिट क्या है उसकी, कैपिटल ए, ठीक है। फिर उसके बात करें ज्योति तीव्रता, उसको किसमें मापते हैं, कैंडला में मापते हैं, मतलब जो अग्नि होगी उसको किसमें मापते हैं, कैंडला के अंदर मापते हैं। फिर पदार्थ का परिणाम, मतलब कोई भी पदार्थ है ठीक है, पदार्थ जैसे पता है क्या होता है, मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसको किसे मापते हैं, मोल के अंदर मापते हैं, ठीक है, मोल के अंदर मापते हैं, ठीक है। ये आपके साथ क्या थे, ये आपके जो साथ थे वे क्या एसआई यूनिट थे, ठीक है, साथ ये आपके एसआई यूनिट थे, ठीक है। लंबाई को किसमें, मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, तापमान को केल्विन में, एम्पियर को धारा में, ज्योति को कैंडला में, और प्रणाम को मोल के अंदर मापते हैं, हमेशा इस बात को याद रखना। फिर बात करें ठीक है एसआई के संपूर्ण मूल मात्रक, मतलब संपूरक मूल मात्रक क्या होंगे, मतलब यदि बात करूँ किसी कोण के बारे में, कोई समतल कोण है ठीक है, कोई समतल कोण है, उसको किसमें मापेंगे, उसको हमेशा हम रेडियन में मापेंगे, किसमें मापेंगे, रेडियन के अंदर मापेंगे। और इसे नोट किसे करेंगे, स्मॉल आर ए डी, कैपिटल आर ए डी ना, स्मॉल आर ए डी, तीनों के तीनों के बिल्कुल स्मॉल है। फिर बात करें घन कोण, मतलब आप सॉलिड एंगल की बात करें, सॉलिड एंगल को किस में मापेंगे ठीक है, क्या बने, स्टेरेडियन के अंदर, और नोट से करेंगे ठीक है, स्मॉल एस आर से, ठीक से नोट करेंगे, स्मॉल एस आर से डिनोट हम करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, ऐसा कि मूल मात्रक पढ़े, कुल मूल मात्रक कितने थे, सात थे ठीक है। आपको जैसे कि सात मात्रक कौन कौन से थे, वो उसके अंदर आपको लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ के परिणाम, ये इसके सात मात्रक थे ठीक है। फिर हमने क्या पढ़े, एसआई के संपूरक मूल मात्रक, इसमें हमें समतल कोण को पढ़ा, वो किसमें नोट करते हैं, रेडियन के अंदर करते हैं, और घन कोण को स्टेरियन में ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे क्या, ऐसे के कुछ पुराने मात्रक ठीक है, जो एसआई के जो कुछ पुराने मात्रक हैं और जो नए नाम संकेत हैं, पुराने मात्रक क्या हैं और अब उनका क्या नया नाम बन गया, उनके कुछ पढ़ेंगे। क्योंकि पहले क्या है कि जो साइंटिस्ट ने जो नाम दिए थे उनको चेंज कर कर कुछ नए मात्रक बना दिए गए, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तापमान की बात करते हैं, जैसे कि आपने तापमान पेपरों के अंदर पढ़ा भी होना ठीक है। तापमान में देखो सबसे पहले क्या बात करें, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, पुराना तापमान कितना, इसे क्या था, ये पुराना था, मतलब तापमान को पहले किस में मापते थे, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर मापते थे। और आजकल क्या आ गया, डिग्री सेल्सियस,
क्या आ गया, पहले डिग्री सेंटीग्रेड था और अब क्या है डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस क्या है इसका नया नाम है। फिर बात करें आवर्ती, आवर्ती क्या होती है, आवर्ती फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे आपने सुना होना कि आप यदि आप रेडियो या एफएम आपने सुना होना तो एफएम क्या बोलता है, आप यदि कोई भी सुन 92.7 एफएम तो वो 92.7 क्या है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसे क्या बोलते हैं हिंदी में आवर्ती बोलते हैं। ठीक है, तो आवर्ती किसे आते थे, कंपन प्रति सेकंड, मतलब सीपीएस क्या इसका पुराना नाम था, लेकिन इसको अब चेंज कर दिया गया, अब क्या है उसको हर्ज बोल दिया गया है। क्या हर्ज मतलब 92.7 हर्ज, वो क्या थी उसकी फ्रीक्वेंसी थी। फिर आप आगे बात करें क्या था ज्योति तीव्रता, इसको पहले कैंडला शक्ति में मापते थे, यूनिट क्या थी कैपिटल सी और पी थी। ठीक है, अब उसका नाम क्या दे दिया कैंडला, उसका नाम दे दिया गया और स्मॉल और सी और डी के अंदर ही क्या उसे डिनोट कर दिया गया। ठीक है, इतना आपको आ गया होना दोस्तों। ठीक है, अब भी आगे आप पढ़ेंगे कि किस किस से क्या होते हैं। देखो सबसे पहले बात करें ये सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, मतलब ये सभी मात्रक, मतलब बात करें सबसे पहले मैंने बताया था भी ये सभी मात्रक कौन से मात्रक जो मूल मात्रक से, अभी मूल मात्रक क्या है मैंने अभी आपको बताया कि सात मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, अभी बताया मतलब उन सात मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, मतलब उन सात मूल मात्रक की सहायता से क्या है कि आप उनको व्यक्त कर सकते हो। जैसे मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लेके चलूं कि मैं क्षेत्रफल का लेके चलूं, ठीक है, क्षेत्रफल को आप किस में डिनोट करते हो, यदि मैं क्षेत्रफल यदि किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालना है या एरिया निकालना है तो आप क्या करते हो लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कैसे मात्रक है आपको जैसे पता है, लंबाई कैसे मात्रक है मीटर, और चौड़ाई का क्या, चौड़ाई का भी मीटर है क्योंकि लंबाई और चौड़ाई क्या है लेंथ में होती है मीटर में होती है, तो मीटर मीटर क्या हो गया मीटर की पावर दो, तो ये मीटर की पावर दो किसका ऐसा ही मात्रक है वो क्षेत्रफल का है, मतलब हमने किससे निकाला वो सभी मात्रक हमने किससे निकाला मूल मात्रक की सहायता से निकाला, मतलब जब मूल मात्रक की सहायता से जो निकाल सकते हैं उन मात्रक को क्या बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। कितना आपको पता चल गया, मतलब व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं जो मतलब मूल मात्रक की सहायता से हम निकाल सके, मतलब उन सात ऐसा ही मात्रक की सहायता से हम कोई भी मतलब नया मात्रक निकालते हैं उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इस बात में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अब आगे देखो बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, मतलब बहुत लंबी दूरी मतलब आपको बहुत ही लंबी दूरी मापनी है तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे प्रकाश वर्ष का यूज करोगे। मतलब एक बात तो पता चल गई जो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो किसका है वो मात्रक दूरी का है, लेकिन छोटी सी दूरी का नहीं बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए कहें कि प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है ये देखो, एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना में 10 की पावर 15 मीटर, 9.46 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, मतलब एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं 9.46 गुना में 10 की पावर 15 मीटर क्या होते हैं ये मात्रक होते हैं। ठीक है, अभी बात करें मैंने आपको बताया था कि बहुत लंबी दूरी मापने के लिए क्या प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है, आपके मन में यह क्वेश्चन भी आया होगा कि सबसे बड़ी दूरी मापने की यूनिट क्या है, जो सबसे बड़ी दूरी जो मापने की यूनिट है वो क्या है, जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है पारसेक है, क्या है पारसेक है, एक पारसेक किसके बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर था 9.46 10 की पावर 15 मीटर के बराबर था। तो मतलब कहने की बात क्या होगी, आप 9.46 10 की पावर 15 को क्या है 3.26 से गुना कर दो। ठीक है, जैसे आप इसको गुना करोगे तो क्या है कि आपका मात्रक निकल आएगा, तो वो किसके बराबर देगा, ठीक है 3.08 10 की पावर 16 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका था। ठीक है, अभी मैं बात करूं, ठीक है आ गया बल, सबसे पहले बल क्या होता है, बल मैं आपको बताऊं, बल क्या, बल एक फोर्स है, मतलब जैसे मैं बता दूं भी आप में कितना बल है, ठीक है मैं बोल दूं भी हाँ आप इस मतलब यदि आप किसी कप को भी उठा रहे हो तो कप में क्या है कि आप बल लगाओगे तभी कप उठ पाएगा, तो वो बल है। तो बल की सीजीएस पद्धति मतलब सीजीएस यूनिट का मात्रक क्या है डाइन है, और ऐसा ही मात्रक क्या है, ऐसा ही मात्रक न्यूटन है, मतलब जो बल की दो यूनिट है, मतलब एक तो आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है एसआई यूनिट, इसको किस में नोट करते हैं न्यूटन के अंदर नोट करते हैं, और एक सीजीएस यूनिट है उसको किस में नोट करते हैं उसको डाइन के अंदर हम
प्रदर्शित करते हैं। और एक न्यूटन किसके बराबर होता है, 10^5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, एक न्यूटन किसके बराबर, 10^5 डाइन के बराबर होता है। जैसे आप में एक पेपर में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 7 न्यूटन किसके बराबर है, तो आप 7 को क्या करोगे, 10.5 से गुना कर दोगे। ठीक है, उसको गुना कर दोगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। और इसी प्रकार जो बल था उसे जगह के कार्य, कार्य मतलब वर्क, जो आप काम करते हो, इसकी भी क्या एक सीजिस पद्धति मात्रक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे अर्घ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्घ बोलते हैं। और ऐसा ही मात्रक क्या है, ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल है। ऐसा ही मात्रक क्या है, ऐसा ही मात्रक जूल है। मतलब एक जूल किसके बराबर है, 10^7 अर्घ के बराबर है। एक जूल किसके बराबर है, 10^7 अर्घ के बराबर है। ठीक है, इतनी बात आपको फारिक होगी, इतनी बात आपको पता चल गई भाई। हाँ, मात्रक किसका मात्रक क्या है, आपको याद करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले तो क्या है कि आपको ये 7 मात्रक याद करो, ठीक है, उसके बाद ये 2 मात्रक ये और हो गए, ये पुराने मात्रक थे। आपसे पूछ सकता है भाई, तापमान को पुराने किस मात्रक में कहा था, आपको सेल्सियस की जगह क्या हो गया, सेंटीग्रेड हो गया। हर्ट्ज की जगह पहले क्या था, कंपन प्रति सेकंड, ठीक है, और कैंडला क्या था, कैंडला शक्ति। ठीक है, ये 2 मात्रक और इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, एक तो कुछ का बल, का बल को किस में नोट करते हैं, न्यूटन के अंदर, ऐसा ही मात्रक। और कार्य का क्या है, जूल है। और एक जूल के अंदर कितने अर्घ होते हैं, 10^7 अर्घ इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अभी हम बात करें, जैसे आपने देखा 10^7 10^5, ठीक है, इसमें भी कुछ यूनिट है। मतलब मैं आपको बताऊं 10^9 को क्या बोलते हैं, ये इसमें के अंदर व्यक्त होगा। अभी देखो मैं बात करूं, ठीक है, 10 विभिन्न घात के प्रतीक, मतलब 10^1 10^2 3 4 5 इनको क्या क्या बोलते हैं, इनके भी नाम है। देखो, भौतिक विज्ञान की बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशि का माप 10^10 में व्यक्त किया जाता है। मतलब बात करें हम भौतिक विज्ञान की, बहुत सारी क्या है, राशि, राशि मतलब कोई भी लंबाई चौड़ाई जो भी है, 10^10 के अंदर क्या हम उसको व्यक्त करते हैं। और 10 के कुछ घात का विशेष नाम और संकेत दिए हुए जो नीचे दिए गए सारणी के अंदर स्थित है। अभी आप इसकी सारणी देखो, किस सारणी के अंदर दिए गए हैं, सबसे पहले बात करूँ, ये देखो इसके अंदर क्या है, ये 10^10 दे रखी है, ठीक है, और एक 10^10 ये दे रखी है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि एक में तो माइनस है और एक में प्लस है, इस बात का आपको पता होना चाहिए, एक में प्लस है एक में माइनस है। सबसे पहले प्लस की घात की बात करें, ठीक है, प्लस माइनस में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले ये देखो, जैसे 10^2 था, ठीक है, 10^2 था, तो 10^2 मतलब क्या हो गया, 10 × 10 मतलब 100 हो गया। ठीक है, जैसे आपको पता चल गया 10^2 कितना आ गया, 100 हो गया। इसी प्रकार 10^-2 में क्या डिफरेंस था, 10^2 का मतलब क्या था, 1/10^2 मतलब 1/10 × 1/10 तो मतलब क्या हो गया, 1/10^100 इतना डिफरेंस है। मतलब जब आपका माइनस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि वो बटा के अंदर आ जाएगा, ठीक है, और जब प्लस है तो वो सीधी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँ 10^+1 उसको क्या बोलते हैं, डेका बोलते हैं, ठीक है, और डिनोट किससे करते हैं, DA से। 10^2 की बात करूँ उसको क्या बोलते हैं, हेक्टो, ठीक है, और डिनोट किससे करते हैं, एच से करते हैं। 10^3 किससे बोलते हैं, किलो, देखो किलो, देखो 10^3 क्या आ गया, किलो, तो मतलब 10^3 का मतलब कितना हो गया, 1000, ठीक है, किलो आ गया। ठीक है, अभी इसका क्या है, मैं आपको बोलता हूँ कि आपने क्या लिए, 1 किलो आलू, 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम इतना होता है। रोनाल्डो आपने 1 लीटर दूध लिया, 1 लीटर दूध लिया, 1 किलो लीटर दूध लिया, तो 1 किलो लीटर मतलब कितना हो गया, 1000 लीटर, ठीक है, ये इसमें फर्क हो गया। ठीक है, देखो 10^6 क्या है, मेगा, ठीक है, रोनाल्डो किससे करते हैं, एम से, कैपिटल एम से, और स्मॉल एम आ जाए तो मतलब क्या है कि वो स्मॉल एम किसे नोट बताया था, मैंने मीटर से बताया था, और कैपिटल एम किससे, मेगा से है, और 10^9 के है, गीगा, नोट किससे करते हैं, जी से। 10^12 के है, टेरा, नोट किससे करते हैं, टी से। 10^15 के है, पेंटा, नोट किससे करते हैं, पी से। 10^18 क्या है, हेक्सा, नोट किससे करते हैं, ई से। ठीक है, 10^1 डेका, 2 की बात करूँ हेक्टो, 3 की बात करूँ किलो, 6 की बात करूँ तो मेगा, 9 की बात करूँ तो गीगा, 12 की बात करूँ तो टेरा, 15 की बात करूँ तो पेंटा, और 18 की बात करूँ तो हेक्सा। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं माइनस के अंदर, जो माइनस की जो घात है,
सिंबल 10^-1 उसे क्या बोलते हैं, डेसी। क्या बोलते हैं, डेसी। सुनो ना, डेसीमीटर डेसीमीटर, ठीक है। 10^2 बात करूँ सेंटी, ठीक है। 10^-2 किसके बराबर है, सेंटी के बराबर है। 10^3 बात करूँ तो मिली, क्या है, मिली के बराबर। 10^-6 माइक्रो, क्या है, माइक्रो के बराबर है। और 10^9 की बात करूँ, -9 की बात करूँ तो नैनो के बराबर है। नोट किससे करते हैं, कैपिटल एन से, याद रखना। 10^-6 माइक्रो बराबर है, और नोट किससे करते हैं, एक यू शेप के अंदर, ठीक है, एक यू शेप के अंदर। लेकिन यू भी किस टाइप का, इसमें ही जो एक्स्ट्रा ये चीज़ होनी जरूरी है, आप देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद बात करूँ मैं 10^12 से डिनोट करते हैं, पीको से डिनोट करते हैं। और 10^15 की बात करूँ तो किससे करते हैं, ठीक है, फेमटो से डिनोट करते हैं। और 10^18 बात करूँ तो एंटो से डिनोट करते हैं, कैप स्मॉल ए से डिनोट से किया जाता है, ठीक है। ये था आज का हमारा जो अध्याय था मात्रक एक, वो हमारा इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गया। और जिस बच्चे कोई भी डाउट है वो पूछ सकता है, और सेकंड पार्ट आपका जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा, आज की तारीख में या सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको डेली 2 से 3 अध्याय आपको पूरे कंप्लीट मिल जाएंगे, ठीक है। ये था आज का मात्रक, और आने वाले 10 दिन के अंदर क्या हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।